उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 10 जुलाई को होने जा रहा है। आज यानी 8 जुलाई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद कल 9 जुलाई को नामांकन वापसी करने का डेट होगा। 10 जुलाई को सुबह 11 से 3 बजे तक वोटिंग होगी। 3 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी। इसी क्रम में आज जौनपुर के रामनगर विकास खंड में भाजपा प्रत्याशी तारा देवी पत्नी दयाराम पटेल द्वारा निर्विरोध नामांकन दाखिल किया गया। तारा देवी अपने समर्थकों संग रामनगर ब्लॉक में पहुंची और पर्चा को दाखिल की। आपको बता दें कि तारा देवी ग्राम सभा खेतापुर से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत के लिए चुनी गई हैं और आज रामनगर ब्लॉक प्रमुख के लिए निर्विरोध नामांकन भी भरी हैं। तारा देवी और उनके पति दयाराम पटेल ने निर्विरोध चुने जाने पर क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने इसका पूरा श्रेय पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह उर्फ मखड़ू को दिया है। आइए देखते हैं जौनपुर से फास्ट न्यूज भारत के लिए यह रिपोर्ट। आप निर्विरोध जो है कि आप निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहेंगे आप? सदस्यों ने हमारा सहयोग किया जी, और इसलिए हम निर्विरोध चुने गए। और हमारे अरविंद सिंह मखड़ू जी, जो कि हमारे भाजपा के समर्थित हमारे बहुत क्लोज हैं, उनका ही सब कुछ साथ सहयोग इनके समर्थन से। आप श्रेय किसको देंगे, जीत का श्रेय किसको देंगे? पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे अरविंद भाई मखड़ू जी का पूरा समर्थन। नमस्ते सर, नमस्ते। जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले आप विकास कार्य को लेकर जी, विकास कार्य पूरे ब्लॉक में जितने भी हमारे ग्राम सभा हैं सबका विकास करना है। चलो बस जी, उन्होंने पूरा श्रेय आपको दिया है, अब क्या कहेंगे? जनता की सेवा करेंगे जी। हमारे सदस्य ब्लॉक के और प्रधान का सभी का सहयोग था जी, जो कि हम लोग प्रत्याशी जो है यहाँ से जो है कि ब्लॉक प्रमुख के लिए निर्विरोध चुने गए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या कहेंगे जी, कि क्या कहेंगे, मतलब निर्विरोध चुने के कोई भी जो है कि पर्चा दाखिल नहीं किया है? हमारे समर्थित प्रत्याशी जी।